तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। तो कल ही मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर मेरे एक सब्सक्राइबर का मैसेज आया, जिन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पर मोनेटाइजेशन क्राइटेरिया को कंप्लीट कर लिया था, लेकिन जैसे ही उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल के मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई किया, योर चैनल इज नॉट करेंटली एबल टू अर्न, इस तरह का लिखा हुआ आ रहा है। और साथ ही उनके यूट्यूब चैनल पर YouTube ने उनके YouTube चैनल के मोनेटाइजेशन को रिजेक्ट करते हुए यहाँ पर जो रीजन दिया है वो यहाँ पर दिया है रीयूज कंटेंट का। तो आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को इसी बारे में बताने वाला हूँ कि यदि आपके भी YouTube चैनल का मोनेटाइजेशन यहाँ पर रिजेक्ट हुआ है और उसका कारण यहाँ पर यदि रीयूज कंटेंट आ रहा है, तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को बताऊंगा कि रीयूज कंटेंट होता क्या है और ऐसे किस तरह के कंटेंट होते हैं, जिस तरह का कंटेंट यदि आप अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करते हैं तो यहाँ पर वो रीयूज कंटेंट के तहत बिल्कुल भी अलाउ नहीं है, और आखिर वो किस तरह का कंटेंट होगा जिसे यदि आप अपने YouTube चैनल पर अपलोड करते हैं रियूज कंटेंट के तहत मोनेटाइजेशन के लिए अलाउ होगा। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, बहुत ही ज्यादा काम की होने वाली है। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पर इस वीडियो में आप सभी लोगों को यूट्यूब के ही एक ऑफिशियल ब्लॉग के बारे में बताने वाला हूँ, जहाँ पर यूट्यूब ने रीयूज कंटेंट से रिलेटेड कम्प्लीटली डिटेल वहां पर शेयर की हुई है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने यूट्यूब चैनल में खुद से एनालाइज कर सकते हैं, खुद से चीज़ों को देख सकते हैं, समझ सकते हैं, और उन चीज़ों को सुधार कर आप अपने यूट्यूब चैनल के मोनेटाइजेशन के लिए दोबारा से रीअप्लाई कर सकते हैं, और उसके बाद आपके जो यूट्यूब चैनल का जो मोनेटाइजेशन है वो यहाँ पर सक्सेसफुली इनेबल हो जाएगा। तो पहली बात तो दोस्तों हम यहाँ पर समझते हैं कि आखिर रीयूज कंटेंट होता क्या है। तो अकॉर्डिंग टू यूट्यूब, देखिए रीयूज कंटेंट एक ऐसा कंटेंट होता है जहाँ पर यदि आप किसी के भी कंटेंट में कोई भी कमेंट्री करते हैं या कोई एजुकेशनल वैल्यू ऐड करते हैं, तो इस तरह का जो कंटेंट है वो रीयूज कंटेंट के तहत आता है। अब यहाँ पर यदि आप किसी दूसरे व्यक्ति के कंटेंट में कोई भी फनी या फिर थॉटफुल वे में एक नए तरह का कंटेंट जो है वो क्रिएट कर देते हैं, तो यूट्यूब जो है वो इस ट्रांसफॉर्म कंटेंट को भी एक नए तरह का कंटेंट जो है वो मानता है। यहाँ पर जो रीयूज कंटेंट है उसका मतलब यही है कि आप रीयूज कंटेंट के तहत जो भी वीडियोज को बनाते हैं वो उसके ओरिजिनल वीडियोज से बिल्कुल अलग होना चाहिए। जैसे कि यदि आप किसी का कंटेंट लेते हैं और उसमें आप बिल्कुल आप मिनिमल चेंजेस करते हैं और उसके बाद आप इसे अपना खुद का ओरिजिनल कंटेंट बताते हैं, तो यहाँ पर ये इस पॉलिसी का जो है वो वायलेशन होता है। यहाँ पर दोस्तों भले आपने यहाँ पर जो है वो कॉपीराइट परमिशन ले रखी हो, फेयर यूज के तहत ही कंटेंट बनाया हो, लेकिन इसका बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि आपका जो कंटेंट है वो यहाँ पर मोनेटाइज हो जाएगा। अब यहाँ पर YouTube ने कुछ एग्जाम्पल भी दिए हैं जिन एग्जाम्पल की मदद से आप समझ सकते हैं कि ऐसा किस तरह का कंटेंट है जो कि रीयूज कंटेंट के तहत बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। पहला यहाँ पर है, आप किसी ऐसे अपने फेवरेट शोज की जो क्लिप हैं उनको यहाँ पर यदि आप साथ में एडिट कर देते हैं और उसमें आप थोड़ा बहुत चेंजेस करते हैं या बिल्कुल भी चेंजेस नहीं करते हैं और इसे एज इट इज यदि आप अपलोड कर देते हैं, तो ये रीयूज कंटेंट के तहत अलाउ नहीं है। सेकंड ये है कि आप बहुत सारी अलग अलग वेबसाइट या फिर सोशल मीडिया अकाउंट से बहुत सारी छोटी छोटी क्लिप्स को यदि साथ में जोड़कर एक बड़ा वीडियो बनाकर यदि उसे अपलोड कर देते हैं, तो ये भी रीयूज कंटेंट के तहत मोनेटाइज नहीं होगा। थर्ड यहाँ पर दोस्तों, बहुत अलग अलग टाइप के सॉन्ग्स या फिर बहुत अलग अलग आर्टिस्ट के सॉन्ग का यदि आप कोई एक कलेक्शन बनाकर इस तरह की वीडियो यदि आप अपने YouTube चैनल पर अपलोड करते हैं और भले ही आपने जो है वो उनके आर्टिस्ट या फिर म्यूजिक एल्बम से परमिशन ले रखा हो, उसके बावजूद भी ये कंटेंट आप रीयूज कंटेंट के तहत अलाउ नहीं है। यदि आप किसी इस तरह का कंटेंट अपलोड करते हैं अपने YouTube चैनल पर जो कि अदर क्रिएटर्स के द्वारा कई बार अपलोड किया गया है और उसी सेम कंटेंट को यदि आप अपलोड कर रहे हैं, तो ये भी रीयूज कंटेंट के तहत अलाउ नहीं है। यदि आप किसी दूसरे व्यक्ति के कंटेंट को अपने YouTube चैनल पर अपलोड करके यदि आप उसका प्रमोशन कर रहे हैं या प्रमोट करना चाहते हैं, तो इस तरह का कंटेंट भी YouTube पर रीयूज कंटेंट के तहत अलाउ नहीं है और भले ही आपने उसके ओरिजिनल ओनर से परमिशन ले रखा हो। तो अब बात करते हैं दोस्तों कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स की जिनके तहत आप समझ सकते हैं कि रीयूज कंटेंट के तहत आखिर ऐसा कौन सा कंटेंट है जो यहाँ पर आप मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पहला यहाँ पर जो है दोस्तों, अगर आप किसी चीज़ को समझाने के लिए कोई एक क्लिप का इस्तेमाल करते हैं उसके बारे में उस छोटी सी क्लिप को लेकर, तो ये रीयूज कंटेंट के तहत मोनेटाइज हो सकता है। सेकंड ये है कि अगर आप किसी मूवी के सीन को लेते हैं और उस मूवी के सीन में जो भी यहाँ पर डायलॉग्स हैं वो आप यहाँ पर खुद से लिखते हैं या उस मूवी को आप एक नए तरह से प्रेजेंट करते हैं, नई वॉइस ओवर के साथ प्रेजेंट करते हैं, तो इस तरह का कंटेंट भी जो है वो आप रीयूज कंटेंट के तहत मोनेटाइज कर सकते हैं।
थर्ड है यहाँ पर दोस्तों कि मान लीजिए कोई स्पोर्ट टूर्नामेंट चल रहा है और उस स्पोर्ट टूर्नामेंट के तहत आप उसके कुछ इंपॉर्टेंट मूवमेंट हैं, यदि उनके बारे में यहाँ पर आप कोई एक एक्सप्लेनेशन वीडियो बनाते हैं या फिर जो भी उस स्पोर्ट टूर्नामेंट के विनिंग प्लेयर हैं उन्होंने इस टूर्नामेंट को किस तरह से जीता इस पर आप एक अपना एक्सप्लेनेशन देते हैं या कमेंट्री वीडियो बनाते हैं तो ये इजिली यहाँ पर मोनेटाइज हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों रिएक्शन वीडियोस जहां पर आप किसी भी ओरिजिनल वीडियो पर अपना एक कमेंट देते हैं उसको भी आप यहां पर रियूज कंटेंट के तहत मोनेटाइज कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप किसी दूसरे क्रिएटर की वीडियो को एडिट करके या किसी दूसरे क्रिएटर के द्वारा एडिटेड वीडियो में यदि आप कोई यहां पर स्टोरी लाइन ऐड करते हैं या उस पर आप किसी तरह की कोई भी कमेंट्री वगैरह करके उसे मॉडिफाई करके यदि आप यूट्यूब पर अपलोड करते हैं तो आप उसे भी यहां पर जो है वो मोनेटाइज कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों शॉर्ट्स कंटेंट के बारे में भी यहाँ पर YouTube ने कहा है कि यदि आप किसी शॉर्ट वीडियो की जो ऑडियो होती है या किसी की ओरिजिनल शॉर्ट वीडियो की जो ऑडियो होती है इस तरह की किसी भी वीडियो की ऑडियो को लेकर यदि आप उस पर किसी नए तरह की शॉर्ट वीडियो अपनी खुद की ओरिजिनल शॉर्ट वीडियो यदि उसे लेकर आप बनाते हैं तो इस तरह का भी जो कंटेंट है वो रीयूज कंटेंट के तहत मोनेटाइज हो जाएगा। एग्जाम्पल इसके अलावा भी और भी बहुत सारे हो सकते हैं लेकिन इन एग्जाम्पल्स को जानकर आप एक बेसिक आइडिया लगा सकते हैं कि किस तरह का कंटेंट रीयूज कंटेंट के तहत यहाँ पर मोनेटाइज हो सकता है और किस तरह का कंटेंट है जो कि रीयूज कंटेंट के तहत यहाँ पर जो है वो मोनेटाइज नहीं हो सकता। सो वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताएं। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।